सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी बरियार रहे। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप वन टैप हेडशॉट कैसे इजीली बंदे को मार सकते हो और किसी भी गन से मतलब हेडशॉट मार सको। इस वीडियो को देखने के बाद अब किसी दूसरे के वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स आपको दूंगा। तो वन टैप हेडशॉट पहले नहीं लगता था, तो आपका वन टैप हेडशॉट जरूर लगेगा। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, तभी आपको मालूम पड़ेगा किस तरीके से हमें वन टैप मारना है, एक रोटेशन मारना है, सीधा मारना है, तो मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पे लेके जाता हूँ, उधर समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको हेडशॉट मारना है। गाइस मैं जो टिप्स दूंगा ना, आप सब गन से मतलब अब हेडशॉट इजीली मार पाओगे। डिजर्ट हो गया, फार्मस हो गया, एसकेएस हो गया, शॉटगन हो गया, किसी भी गन से आप हेडशॉट इजीली मार पाओगे। सो गाइस मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हेडशॉट मारने के लिए आपको एनिमी का पोजीशन एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप हेडशॉट मार पाओगे। सो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा सामने एक एनिमी दौड़ रहा है और मैं डायरेक्ट कैसे करूँ, मैं डायरेक्ट सीधा करूँ, क्योंकि एनिमी मेरा सामने से दौड़ रहा है और मैं इसे अगर रोटेशन ड्रैग मारता तो कभी नहीं लगता। तो एनिमी सामने था तो मैं सीधा ड्रैग किया, और दूसरे क्लिप में दिखा रहा हूँ आप। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड से एक बंदा जा रहा है और मैं ड्रैग कहाँ कर रहा हूँ, मैं राइट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ, क्योंकि बंदा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है। उसी के साइड में ड्रैग किया तो बंदे को हेड लग गया बहुत ही ईजीली। तो इस क्लिप पे देखिए, मैं इस बंदे को रोटेशन ड्रैग कर रहा हूँ, किस तरीके से रोटेशन ड्रैग कर रहा हूँ वो समझो आप। मैं इस बंदे को रोटेशन ड्रैग करूँगा, अगर मैं इस बंदे को इस साइड ड्रैग करता तो कभी नहीं लगता, क्योंकि एनिमी का पोजीशन इस साइड में है। हम अगर इस साइड में रोटेशन ड्रैग करेंगे तभी आपको एनिमी का हेड पे हेड लगेगा, और इस साइड में मैं एनिमी का जैसे कि मैं इजीली रोटेट करके बंदे को हेड मार दिया, देखो। सो ये कुछ बातें ध्यान रखना कि एनिमी का पोजीशन जिस तरह है उसी तरफ ड्रैग करना, तभी आपका हेड लगेगा। सो आज के वीडियो में था इतना ही, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। तो समझ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।